अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। आज हम बनाना सीखेंगे ये बहुत ही प्यारा सा वेवी सा बॉर्डर। ये आप बॉर्डर बनाने के बाद इसके ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, ब्लैंकेट, स्वेटर, एवरीथिंग, स्टॉकिंग स्टिच हो, चाहे गार्टर स्टिच हो, चाहे 1x1 रिबू, आप कुछ भी इसके ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने मल्टीपल ऑफ 9 प्लस 8 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं, जिसका मतलब आपने 8 8 9 9 के पेयर से 9 9 9 9 9 9 के पेयर से आपने घर डालने हैं सिलाई पे, और उसके बाद 8 घर और इसमें ऐड कर देने और 8 घर इसके ऊपर डालने हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल ऑफ 9 प्लस 8 स्टिचेस। तो आप मल्टीपल ऑफ 9 प्लस 8 स्टिचेस के हिसाब से, घरों के हिसाब से आप 26 भी डाल सकते हैं, 35 भी डाल सकते हैं, 44 भी डाल सकते हैं, डिपेंड आपके आप पे करता है कि आपको विड्थ कितनी चाहिए, आप क्या चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आप सिंपली कास्ट ऑन कर लेंगे। मैं यहाँ पे 26 स्टिचेस कास्ट ऑन कर रही हूँ, 2 दफ़ा 9 और प्लस 8, क्योंकि मैं आपको जस्ट सिखाने के लिए ये बना रही हूँ। आप प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा घर डाल सकते हैं। कास्ट ऑन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप देखना चाह रहे हैं डिटेल में। तो 26 जो है हमने घर डाल लेने हैं सिलाई पे, यहाँ पे हमने 26 जो है घर सिलाई पे डाल लिए हैं, कास्ट ऑन कर लिए हैं 9 9 के हिसाब से, 2 दफ़ा 9 एंड प्लस 8, 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 9 2 4 6 8, ठीक है। अब आपने रो नंबर 1 निट ऑल स्टिचेस, पहली जो हमारी सिलाई है वो सारे घर हम सीधे सीधे बुन लेंगे। निट ऑल रो 1 निट ऑल स्टिचेस, पहली सिलाई सारे घर हम सीधे बुन लेंगे, सीधे सीधे बुन लेंगे। पहली सिलाई हमने सीधी सीधी बुन ली, जो कि हमारी राइट साइड है बॉर्डर की। अब रो नंबर 2 है हमारी यहाँ पे, वो भी हम सारे घर सीधे बुन लेंगे, निट ऑल रो नंबर 2 निट ऑल स्टिचेस। दूसरी सिलाई हमारी सारे घर हम सीधे सीधे बुन लेंगे, रो नंबर 2, रो 2 निट ऑल। दूसरी सिलाई हमने बुन ली। अब जो हमारी तीसरी सिलाई है रो नंबर 3, थर्ड रो हमारी तीसरी सिलाई, वो भी हम सीधी सीधी बुन लेंगे, निट ऑल स्टिचेस रो नंबर 3 निट ऑल स्टिचेस। तीसरी सिलाई भी हमारी हम सारे घर सीधे सीधे बुन लेंगे। तीसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई रो 3, रो 4 हमारी चौथी सिलाई 4th रो निट ऑल, रो 4 निट ऑल, चौथी सिलाई हमारी सारे घर फिर से हमने सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेने हैं, चौथी सिलाई सारे फंदे सारे घर हमने सीधे बुन लेने हैं। रो 5 पांचवी सिलाई हमारी निट ऑल, 5th रो हमारी निट ऑल स्टिचेस, पांचवी सिलाई हम फिर से सारे घर सीधे सीधे बुन लेंगे। रो 6 छठी सिलाई हमारी हम सारे घर उल्टे बुनेंगे, पर्ल ऑल स्टिचेस, रो 6 पर्ल ऑल स्टिचेस, छठी सिलाई हमारी हम सारे घर उल्टे बुनेंगे। छठी सिलाई हम अपनी सारी सारे घर
उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल स्टिचेस। रो 7 सातवीं सिलाई जो हमारी, वो सारे घर सीधे बुनेंगे। रो 7 नेट ऑल स्टिचेस, सातवीं सिलाई हमारी सारे घर सीधे बुनेंगे, नेट ऑल स्टिचेस, सेवेंथ रो। रो 8 आठवीं सिलाई हमारी सारे घर उल्टे बुनेंगे, पर्ल ऑल। सारे घर सारे फंदे आठवीं सिलाई के हमने उल्टे बुन लेने हैं, एट्थ रो पर्ल ऑल स्टिचेस। रो 9 जो हमारी नाइन्थ रो है, यहाँ पे हमने शेप देना है। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे शेप देना अपने बॉर्डर को। हमने सबसे पहले नाइन्थ रो निट 8 स्टिचेस, 8 घर हमने सीधे बुन लेने हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नाइन्थ रो निट 8 स्टिचेस। हमारी जो नाइन्थ रो है वहाँ पे हमने 8 घर सीधे बुन लिए। अब आपने क्या करना है, ये वाली सिलाई को पीछे ले जाना है और ये वाला घर जो हमारा नाइन्थ स्टिच है इसको ले लेना है, यहाँ पिक करना है, फिर आप इसे आगे लेकर आएंगे और इस लाइन पे डाल लेंगे, सही है। अब इसे आप बुन लेंगे थोड़ा सा टाइटली, ठीक है। इसी तरह आपने फिर से निट 8 स्टिचेस, 8 घर फिर से आप बुनेंगे, 8 फंदे, दो चार छः, दो चार छः 8, 8 घर बुने और फिर से आपने सिलाई आगे ले पीछे ले जानी है और ये घर उतार लेना है। हम फिर से करते हैं, 8 घर बुनने के बाद नेट 8 स्टिचेस, देन सिलाई पीछे ले जानी है, घर उतारना है सिलाई पे और आगे ले आना है और इस सिलाई पे डाल देना है और बुन लेना है जस्ट निट। उसके बाद ये जो हमारे पास 8 प्लस घर हमने इस पे कास्ट ऑन किए थे, डाले थे 2, 4, 6, 8, वो सीधे बुन लेने हैं। अब आप थोड़ा सा पहले से शेप दे दें, उसके बाद जो हमारी 10th रो है, 10वीं सिलाई, वो आप कैसी भी चाहें आप बुन सकते हैं, पर्ल ऑल सारे घर उल्टे बुन लें अगर आप स्टॉकनेट स्टिच से शुरू करना चाह रहे हैं, या अगर कोई भी पैटर्न शुरू करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप पहली जो सिलाई है ट्विस्ट के बाद आप उल्टी बुन लें। रो 10 पर्ल ऑल स्टिचेस, हमारी जो 10वीं सिलाई है हम सारे घर उल्टे बुन लेंगे,
ये मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ बताने के लिए 26 स्टिचेस डाले थे। आप प्रैक्टिस अगर करना चाहें तो ज़्यादा घर भी डाल सकते हैं। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, अगर थोड़ी सी साइज़ इस तरफ ज़्यादा हो जाए तो आप इसे इस तरफ खींच भी सकते हैं, जस्ट शेप देके उसके बाद आप कोई भी बॉर्डर पैटर्न इस पर स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा बॉर्डर तैयार हो गया है। यहाँ पर जैसे मैंने स्टॉकनेट स्टिच बुना हुआ है, इस पर आप स्टॉकनेट स्टिच से भी ऐसे बुन सकते हैं, और यहाँ पे जैसे मैंने गार्टर स्टिच से यहाँ पे सीधा बॉर्डर बना के और फिर ऊपर गार्टर स्टिच बुना है, आप वैसे भी पैटर्न स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लैंकेट्स के भी ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। आप ये बॉर्डर बना के ब्लैंकेट्स के साथ कास्ट ऑन किया, बॉर्डर बनाया, ब्लैंकेट बना लिया, फिर ये वाला बॉर्डर बना के बाइंड ऑफ करके और साइडों से भी अटैच कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आपको सिर्फ जो है बेसिक सी चीज़ें आनी चाहिए और ये हमारे बॉर्डर तैयार हो गए हैं। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई और चीज़ और कोई बॉर्डर, कोई पैटर्न, कुछ चीज़ सीखनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझा दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।